नमस्कार, मैं डॉक्टर वासुदेवन शेष चेन्नई से आपके समक्ष अपनी एक लघु कथा प्रेम पथिक प्रस्तुत कर रहा हूँ। रिया और रोहित एक साथ पहली कक्षा से 12वीं तक चिन्मय विद्याश्रम स्कूल नई दिल्ली में पढ़े। स्कूल के दिनों में वे एक साथ एक ही बेंच पर बैठते और स्कूल के गृह कार्य और अन्य शैक्षणिक और साहित्यिक वाद विवादों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में निरंतर भाग लेते थे। धीरे धीरे उनका यह साथ न जाने कब मन ही मन प्यार में पलवित और पुलकित हो गया कि उन्हें पता ही नहीं चला। दोनों ने 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों में उत्तीर्ण की। 12वीं कक्षा पास करते ही रिया की माँ चल बसी और अपने पिता कैलाशनाथ के साथ वह अमेरिका चली गई और वहीं पर ही उसकी आगे की पढ़ाई भी होने लगी। इधर रोहित भी अपने पिता के साथ कनाडा चला गया और वहाँ एक संस्थान में मानव संसाधन विकास के कोर्स में दाखिला ले लिया। समय बीतता गया। रिया और रोहित ने अपनी अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब दोनों के पिताजी को उनके विवाह की चिंता होने लगी। इस बीच रिया की बुआ जो कनाडा में रहती थी ने अपने भाई कैलाशनाथ को फ़ोन करके बताया कि कनाडा में उनके किसी परिचित के परिवार वालों से रिया के लिए अच्छा रिश्ता आया है। पिता कैलाशनाथ ने रिया के संबंध में अपनी बहन को उनसे आगे बातचीत चलाने के लिए हरी झंडी दे दी। रोहित के पिता विशंभर नाथ जी कनाडा के जाने माने व्यापारी थे। वहाँ के व्यापारी समुदाय में उनका बड़ा नाम था। जब रिया की बुआ ने रोहित के लिए रिया से विवाह की बात कही तो विशंभर नाथ जी ने तुरंत स्वीकृति दे दी। आखिर वो दिन भी आया जब रिया के पिता रिया को लेकर कनाडा आए। रिया को मन ही मन रोहित के साथ गुजारे स्कूल के वे सुनहरे दिन याद आने लगे। उनके मन में किसी कोने में आज भी रोहित के लिए सच्चा प्यार घर किए हुए था। वो चाहकर भी अपने पिता को उसके बारे में नहीं बता पाई और मन ही मन सोच रही थी कि अब उसके प्यार का क्या होगा। इस समय वो अपने मन में हो रहे इस उथल पुथल से चिंतित थी। एक तरफ मन का मीत था तो दूसरी तरफ पिता और बुआ की साख थी। परिवार की इज्जत का भी प्रश्न था। रिया ऐसी उलझन में फंसी हुई थी और अपने आप को कोस रही थी कि उसने इस मामले में बहुत देर क्यों कर दी। उधर रोहित का भी मन बेचैन था। वह भी रिया को बहुत चाहता था लेकिन उसने अपने प्यार का इजहार रिया से कभी नहीं किया था और आज वो भी गहरे असमंजस में था कि अपने पिता को कैसे कहे कि उसके मन में कोई और घर गई है जिसे वह भुला पाने में असमर्थ है। रोहित के मन में भी उसके पिता का नाम शोहरत और परिवार की चिंता हो रही थी। मन ही मन वह तड़प भी रहा था कि कैसे वह उस लड़की का सामना करेगा जिसे वह दिल से अपनी अर्धांगिनी नहीं बनाना चाहता। दोनों के बीच परिवार की इज्जत आड़े आ रही थी। आखिरकार यही सोचकर विचार करते हुए रिया ने अपने मन को ढांढस बंधाया कि विधि के लिखे को कोई भी नहीं मिटा सकता। अगले दिन निर्धारित समय पर विशंभर नाथ जी अपने बेटे रोहित, अपनी पत्नी सुमन और एक अन्य रिश्तेदार के साथ रिया की बुआ जी के घर पहुँचे। वहाँ उन सबका बड़ा आदर सत्कार हुआ। घर के अन्य बुजुर्गों ने उनकी अगवानी की। वह आपस में उनके व्यापार की और उनके प्रेत निवास की बातें होती रही। इधर रिया और रोहित जो एक दूसरे से इससे मनजान थे अपनी बीती सुनहरी यादों में खोए हुए थे। इतने में बुआ ने कैलाशनाथ से कहा, कैलाश भैया अपनी बेटी को बुलाइए, लड़के वाले देखना चाहते हैं। इतने में रिया एक परिचित महिला के साथ छुई मुई सी बनी सर झुकाकर प्रणाम करते हुए सबके लिए चाय लेकर आई। जैसे ही रिया और रोहित ने एक दूसरे को देखा दोनों ही खुशी से उछल पड़े। रिया अपने पिताजी से लिपट गई और कहने लगी, पापा यू आर जीनियस, पापा आप सच में महान हैं। उधर रोहित भी खुशी से उछलकर अपने पिता के गले लग गया और बार बार उन्हें थैंक यू कहता रहा। रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। यहाँ बैठे लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे को देखकर इतने क्यों खुश हो रहे हैं। तब रिया की बुआ ने इस पर से पर्दा हटाते हुए कहा, रिया की माँ ने मुझे मरते वक्त कहा था कि रिया रोहित नाम के लड़के से बहुत प्यार करती है। अगर रिया को रोहित ही उसका जीवन साथी के रूप में मिल जाए
तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तुम उसकी बुआ हो और ये जिम्मेदारी अब आपकी है। बुआ जी को पता चल गया था कि रोहित ही वह लड़का है जिसे रिया ने प्यार किया है और जिसके साथ उसने अपने जीवन के बिताने के सुंदर सपने संजोए हैं। रोहित को तो मानो यह सब कुछ एक सपने की तरह लग रहा था, मानो बुआ जी दोनों ही बुआ जी के चरणों में गिर पड़े और उनसे गले लगकर अपनी खुशी का इजहार करने लगे। बुआ जी ने भी दोनों को भरपूर आशीर्वाद दिया और कहा, आज मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, भाभी जी की आत्मा शांत हो जाएगी, बरसों के बिछड़े प्रेम के सच्चे पथिक अब जीवन में हमराई बन गए थे। धन्यवाद।